बच्चे घर पे हैं, इस वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। इसलिए आपकी संस्था मधु स्कूल ने एक चैनल शुरू किया है पढ़ाई, ताकि ऑनलाइन घर बैठे हो सके। मधु साइंस क्लासेस के नाम से हैं। आपको इसको सब्सक्राइब करना है, देखना है, लाइक करना है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार, क्लास 10 का है, SST का है। तो केंद्र सरकार में सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार किसे कहते हैं। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त एवं अदृश्य है, यानी राज्य को हम देख नहीं सकते हैं। इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहा गया है? सरकार कहा गया है। अब सरकार का निर्माण कैसे हुआ है? सरकार के तीन अंग हैं। इन तीनों अंगों से सरकार का निर्माण हुआ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। आज हम देखेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है, और संसद के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि एक संसद होगी। अब संसद का निर्माण किनसे मिलकर होगा? संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अंग तीन है और सदन कितने हैं? दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। लोकसभा के बारे में 81 में किया गया है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम जानते हैं आज। अब हम लोकसभा के बारे में देखते हैं कि लोकसभा का संगठन या रचना कैसे हुई। लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। अब इसकी सदस्य संख्या देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या थी 500, बाद में समय समय तीन में वृद्धि की गई, और अभी वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या हो सकती है 552 सदस्य संख्या, और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। इनमें से देखते हैं 552 में से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। 20 सदस्य होते हैं संघीय प्रदेशों से, ये भी निर्वाचित होकर आते हैं। 2 सदस्य होते हैं आंग्लिक भारतीय, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंग्लिक भारतीय सदस्य वह होते हैं जिनके पिता यूरोपीय हो और माता भारतीय हो, तो इनको भी हमारे संविधान में लोकसभा में दर्जा दिया गया है। हमने अधिकतम 552 सदस्यों का तो देख लिया है कि कहां कहां से चुन के आते हैं। अब वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, ये 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, सीधे जनता के द्वारा चुन के आते हैं। 13 सदस्य संघीय प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं, ये आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान में दिया हुआ है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, और भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद का मीन है, यानी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है, केवल सरकारी पद जो होता है उसको लाभ का पद माना गया है। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये 4 योग्यताएँ जिनमें हैं वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा का कार्यकाल के बारे में देखते हैं। वैसे लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का या लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, किंतु इसको
प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकते हैं। आज तक समय से पहले 9 बार भंग किया जा चुका है। अब हम देखते हैं इसका अधिवेशन। अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी बैठकें या इसको स्थगित करना हो तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और ये जो अधिवेशन होती है या लोकसभा की जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्पीकर होते हैं, ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अब नीचे देखते हैं हम इनका निर्वाचन यानी चुनाव कैसे होता है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, सीधे जनता के द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं और व्यस्त मताधिकार के द्वारा होता है। व्यस्त मताधिकार का मीन है जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे मतदान करने का अधिकार है। और लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको MP बोलते हैं, हिंदी में सांसद बोलते हैं। लोकसभा के एक स्पीकर होंगे यानी अध्यक्ष होंगे, इनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और लोकसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा यानी अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अब पहली जो लोकसभा है उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ, यानी आम जो चुनाव हुआ, आम चुनाव का मीन है जनता के द्वारा जो लोकसभा का गठन हुआ वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने हमारे G.V. मावलंकर साहब। प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष है G.V. मावलंकर, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। इसके अलावा हम देखेंगे स्पीकर के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है स्पीकर है इनके क्या क्या कार्य हैं। लोकसभा में शांति बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, सबको वाद विवाद के लिए समय निर्धारित लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इनका ये है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला भी किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्क है इनका, राष्ट्रपति व संसद के बीच जितना भी पत्र व्यवहार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संसद की कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों में से कुछ के लिए पदेन सभा